देखिए दादा साहब फाल्के वैसे भी हमारी इंडस्ट्री के जन्मदाता हैं, तो जब भी उनके नाम के साथ हमारा नाम जुड़ेगा तो वो बहुत गर्व की बात है। हम सब किसी भी एक्टर के लिए, किसी भी कलाकार के लिए बहुत गर्व की बात है। तो आज हमको ये ट्रॉफी मिली है, दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड, तो ये पाकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी मिली है। बस एक छोटा सा मुझे और मैं ये बोलना चाहूँगा, क्योंकि मीडिया है सामने, मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा मुझे इस बात का दुख हुआ है कि यहाँ पे इस फंक्शन में कोई भी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहा है, किसी भी तरह का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हुआ है। एंड दिस इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि इतने सारे लोग हैं अंदर और किसी ने भी मास्क नहीं पहना था। देर नो सैनिटाइजर्स, देर वॉज नो सैनिटाइजिंग। सो आई एम रियली डिसअपॉइंटेड कि हम लोग सब इतनी बड़ी तादाद में एक जगह इकट्ठे हुए इतने अच्छे काम के लिए, इतनी अच्छी महफिल जमी है अंदर, बट there is no protocol that has been followed, and I am just hoping कि आज की डेट में जब सरकार इतना परेशान है और सब जगह लॉकडाउन फिर से होने की बात हो रही है, आज के दिन मैं ऐसे फंक्शन में आऊँ जहाँ पे किसी ने कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया। आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, आप लोगों ने सबने मास्क पहना हुआ है, बट इनसाइड देर वॉज नो बडी वेयरिंग अ मास्क। एंड मैं ये चाहूँगा, मैं ये अपील करना चाहूँगा आज इस डायस पे खड़े होकर, मैं सबसे ही अपील करना चाहूँगा कि दोस्तों, भाइयों, बहनों, माताओं, पिताओं, एवरीबॉडी, whoever is listening to me, please, pandemic अभी ख़त्म नहीं हुआ है, महामारी ख़त्म नहीं हुई है, पूरी दुनिया में इसकी सेकेंड और थर्ड वेव आ रही है। प्लीज़ ये ना सोचें कि ये बीमारी आपको नहीं होगी, ये हो सकती है, किसी भी समय हो सकती है, कभी भी हो सकती है। प्लीज़ अपने लिए नहीं तो अपने परिवार वालों के लिए, एक दूसरे के लिए अपने आप को जिम्मेदार समझें और प्लीज़ प्रोटोकॉल फॉलो करें, रूल्स, रेगुलेशंस, हाइजीन सब फॉलो करें। बिकॉज़ अगर जान है तो जहान है, और अगर जहान है तभी ऐसी ट्रॉफीज़ हैं और तभी काम है, तभी सब कुछ है। सो प्लीज़ फॉलो द प्रोटोकॉल।